गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास 7 एंड सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 3, मोर ऑन एक्सेल 2013, फार्मूला एंड फंक्शन। यू नो व्हाट इज़ एक्सेल? एक्सेल इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज़ यूजेस स्प्रेडशीट टू ऑर्गेनाइज नंबर्स एंड डेटा विथ फार्मूलाज एंड फंक्शन। एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। एक्सेल का यूज़ करके, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करता है क्या करने के लिए? टू ऑर्गेनाइज डेटा एंड नंबर्स। एक्सेल में हम डेटा एंड नंबर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं विथ फार्मूला एंड फंक्शन, फार्मूला एंड फंक्शन में। एंड नाउ क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज़ फार्मूला एंड व्हाट इज़ फंक्शन। फार्मूला यूजर डिफाइन होता है और फंक्शन प्री डिफाइन होता है, जिसकी सहायता से हम कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो, इस चैप्टर के समाप्ति के बाद आप जान जाओगे डिफाइन सेल रेफरेंसिंग, कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। डिफाइन रिलेटिव सेल, एब्सोल्यूट सेल एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एंड आफ्टर दैट वी विल नो यूज सेल रेफरेंसेस ऑफ वन वर्कशीट इनटू अनदर वर्कशीट। एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में कैसे सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। उसके बाद यूज डिफरेंट फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भिन्न भिन्न प्रकार के फंक्शन का यूज कैसे होता है उसको बताया जाएगा। आफ्टर डैट अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे जो, उसके बाद से यूज गोल सीक, गोल सीक का प्रयोग करना। डिफाइन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा, डेटा को सॉर्ट करना एंड फिल्टर करना। एंड इन द लास्ट वी विल नो अप्लाई फिल्टर एंड कस्टम फिल्टर ऑन अ रेंज। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई विल टेल यू वन बाई वन डेफिनेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।